Hey guys, it's Sanat, it's Kritleen. Welcome back to Sidhu Vlogs. So guys, आज हम react करने वाले हैं RHS के और food vlog पे, जिसमें the order taker is deciding what will they eat for the next 24 hours. And बहुत ही interesting concept है. So without wasting any time, let's get into the. आप जाना था आज इजाजत है. इजाजत है. Let's go. तुम में से किसी को beatboxing आती है? नहीं. बोल. वालेकुम सलाम. मुझे ना जो आपको पसंद है ना वो दे दें खाने को, चार लोगों के लिए. जो आपको पसंद है कुछ भी ऑर्डर दे दें मुझे, चार लोगों के लिए जो आपको पसंद है. अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हज़रात, शोपैक टीवी की तरफ से आपका मेज़बान है जैसे एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है. और मेरे साथ है हसन और असद. असद या असदी? असदी. असदी. अभी कुछ ही दिन पहले हमने लेटिंग द पर्सन का बनाया था पार्ट 4, जो आपको क्रेजी किस्म का पसंद है. yes. और आप लोगों ने उसके लाइक वाले बटन को वाकई में तोड़ दिया था, थैंक यू सो मच उसके लिए. आज हम करेंगे पार्ट 5, लेकिन ये एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं होगी, मतलब लेटिंग द पर्सन इन फ्रंट नहीं होगा, कि मतलब वो जो सामने वाला बंदा है हम उसका ऑर्डर नहीं लेंगे. हम किसी भी ड्राइव थ्रू या किसी भी रेस्टोरेंट कैफे पे जाके उसको जो ऑर्डर टेकर होगा उसको बोलेंगे कि अपनी मर्जी से हमें कुछ भी ला दे. कैसा आइडिया? बहुत अच्छा. हाँ वो मान जाए, वरना उसको उसने कहना नहीं सर आप खुद देखते हैं. आज थोड़ा मज़ा आएगा, थोड़ा समझाना पड़ेगा उन्हें कि यार दे दे अपनी मर्जी का भाई. उसे लगेगा कि ये मेरे से मांग रहे हैं. जो ये भी कह सकते हैं हम कि भाई जो तुझे पसंद है ना ऑर्डर. हाँ जो तुझे पसंद है यही कहना है, यही कहना है. और हमें नहीं बताना, हमें नहीं बताना, हम इतने बंदे हैं. क्या अच्छा है या तुझे क्या पसंद है, हम इतने बंदे हैं, हमें आप अपनी मर्जी से कुछ भी ला दो. आपके मेन्यू में जो भी चीज़ है, आपको जो भी पसंद है. शुरू करें अभी नाश्ते के लिए. पहले कहाँ पे चलें? पहली जगह बताओ. ऑप्शंस क्या क्या है, क्योंकि रह दे के हमारे पास जो ड्राइव थ्रूज हैं वो मैकडॉनल्ड, केएफसी और हार्डीज हैं, जिनको हम लंच या डिनर में रखते हैं. हाँ. अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे. ब्रेकफास्ट फिर भाई किसी और जगह से. चलते चलते अरसे बीत गए हैं, हम लोग एमएम आलम रोड पे पहुंच चुके हैं और असद साहब को अभी तक ये नहीं पता कि हमने जाना कहाँ है. सदके वैसे. हाँ. सारे तुझे मैंने नाम ले दिए, फिर ऐसा कर चार महीने ठहर दे, तुझे नया बनवा के देता हूँ मैं कैफे. नाम बताता जा भाई जान. कैफे है हमारे पास, फ्रेडी कैफे है हमारे पास, साशाज है हमारे पास, माल वन में जैबरा, बर्निंग जैबरा, बर्निंग जिराफ, वही वही. और आर्केडियन है, मिस्ट है, आयश्री है, इली है, एंटीक कैफे है. लेकिन जाना किधर है, तुम जाना किधर है? हाँ. मसला ये है, एक इधर इधर को लेफ्ट होंगे एक सिल्वर बर्न कैफे भी है. तू बता कहाँ जाना है? बता भाई, मेरी तो बात मान. ज़ोन आउट है वो. वही बर्निंग जिराफ ही लग रहा है और तो कोई. बर्निंग जिराफ. सना सफीना चले. हाँ जी. कार्टन खाते हैं बिल्कुल. दो खद्दर कर दो. दो खद्दर कर दे, प्याज जरा सही करके डाली, पुदीने की गार्निशिंग के साथ. ये अब ज्यादा हो गया. ओके, ये काट नहीं. हमारे पास इस टाइम खवातीन और हज़रात, हम ऐसी जगह पे खड़े हैं मॉल वन, जहाँ पे सारे कैफेज, गनाश है, साशाज है, उमामी है, हैगनडाज है, ये मुझे जर्मन लग रहा है कुछ, मौका है, स्वीट स्वीट टूथ है, बेल्कनी है, वोक है, और गाउचोज है. गाड़ी उधर कर ले, दो कर रह गए उधर. पेंट हाउस है. तो हम, मेरा ख्याल है कि मौका वाले बंदे को मौका दें आज. मौका जनाब क्या हाल है, कैमरे में हाई कर दे. अच्छा यार हम तीन लोग हैं, भूख लगी हुई है, अपनी मर्जी से कुछ भी दे दो. मुझे आपने नहीं बताना, आपने अपनी मर्जी से हम तीन लोगों के लिए कुछ भी दे देना. आपने ऑर्डर करना है हमारे लिए, आपको जो पसंद है वो हमने खाना. आप कहते हो ये हमारी सबसे अच्छी आइटम है, ये आप जीत ली. या जो आपको पसंद है, आपने क्या क्या खाया हुआ मौका से खुद? मौका से सभी सभी खाया हुआ. आपको जो पसंद है ना वो हम तीन लोगों के लिए कर दो. तीनों अलग अलग करने हैं ना? तीनों अलग अलग, तीनों अलग अलग चीजें, तीनों के लिए अपनी मर्जी की, मुझे नहीं बताना. ठीक है? ओके. हाँ ठीक है, कर दे कर दे. ओके. ड्रिंक्स वगैरह में वो भी अपनी मर्जी से, कोल्ड में, कोल्ड में
कोल्ड में हॉट में मिक्स कर देना अपनी मर्जी से. तीन लोगों के लिए आपने अपनी मर्जी की चीजें लानी है. यार अच्छा बंदा था, बहुत अच्छा बंदा, बहुत अच्छा स्माइलिंग पर्सन. हाँ, जो खुश गुड बॉय खुश होकर मिले ना उससे वैसी खुशी होती है. वैसे भी मेरे को ये वेटर्स लोग बहुत पसंद है. लोग इनको थोड़ा सा अजीब ट्रीट करते हैं लेकिन वो बदतमीज लोग होते हैं, बहुत ही बदतमीज. हाँ. और माशाल्लाह हमारे मुल्क में बदतमीज लोगों की कमी नहीं है. वो तो इनसे मतलब आप थोड़ा सा भी अच्छे तरह से. हाँ. बात कर लो ना, बिल्कुल ऐसी इनका दिन बन जाता है, इनका दिन बन जाता है. ये बाकी ऐसा होता है कि दिन में फॉर एग्जांपल कहीं पे कोई वेटर है वहाँ वो 100-200 बंदे को डील कर रहा होता है. मोस्टली लोग 80-90% लोग कर रहे हैं चिच इधर आ ये ला के दे, ओए तुमने ये नहीं रखा, ओए वो नहीं किया. इनको आप आराम से, ये बड़े मतलब पूरे दिन में हेक्टिक हुआ होता है बंदा, इनको हल्का सा आप कहते हो ना जनाब क्या हाल है आपका, ये कैसे है, ये साथ ही मतलब इतना स्माइलिंग फेस और खिल जाते हैं. तो इनकी रिस्पेक्ट करनी बनती है हमें. तो आज हम उसकी मर्जी की चीजें खाएंगे. इनसे सही तरीके से जो बात करता है उसकी अपनी ब्रॉटअप का पता लगता है कि यार वो अच्छा बंदा है. बिल्कुल अगर करके बुलाया तो वहां से कट लेने का, वहां से कट लेने का. ऑर्डर हमारा आ चुका है जनाब, काफी लेट कर दिया. ठीक है, कौन सा मैक्सिकन फजीता रैप इधर रखते जाइए. और ये पनीर ग्रिल पेपरिता. ओके, और इसके अलावा ये ग्रिल बारबेक्यू चिकन बर्गर. अखीर यार बड़ी मजे की चीजें आप खाते हैं. अच्छा वो और ड्रिंक्स में, ड्रिंक्स में फ्रेश जूसेस मिलेंगे या नहीं? यार आपने कोल्ड कॉफी टाइप चीज में कुछ भी ला दो. स्टार्ट इससे पहले कि असद साहब कोई ऐसी नजर लगा लें, बेहोश हो जाए. यार मुझे पनीनी जो है ना वो एक्सट्रीमली कोई मजेदार चीज लग रही है तो मैं पहले वो स्टार्ट कर रहा हूँ. खा खा क्या खाऊं, अच्छा ये मुझे समझ नहीं आ रहा. ओए पनीनी इतनी मजे की है यार. चिकन है इसमें, ऑलिव्स हैं, चीज है, साथ में एक ये सॉस है येलो येलो सी. और जो वो ड्राई चीज एक टच मार रही है ना यार, ये जो ऑर्डर टेकर था इसका टेस्ट अच्छा है यार. मुझे लगता है मेन्यू में से सबसे महंगी वाली चीजें ला दी. मर्जी की चीजें ला दो तो बहुत अच्छी चॉइस है. शुक्र है बीच में कोई मसाला दही है ना कर. हाँ मैंने क्यों खा ली, मैंने सॉस समझ के कफ सारी लगा ली. प्रॉपर मैक्सिकन यार. हाँ हल्का सा स्पाइसी और एक जो स्मोकी टच होता है बारबेक्यू टाइप वो आ रहा है. टमाटो चटनी ये अच्छा है, अच्छा बर्गर चेक करा. बर्गर असद बर्गर, बर्गर भी अच्छा है यार. जैसा मैं वैसे बीफ बर्गर लवर हूँ तो मुझे चिकन बर्गर ज्यादा समझ नहीं आता, लेकिन ये इसमें वाइब हुआ जो आप एक देसी बर्गर नहीं खाते, चटखारा सा बारबेक्यू प्रॉपर और एक अंदर शामिल नहीं लेकिन टाइप वो कह सकते हो, बन बिल्कुल वैसे और अंदर एक प्रॉपरली स्पाइसी बर्गर. बर्गर नहीं है ये, बर्गर नहीं है ये, देसी बर्गर. बर्गर जनाब जब आपकी चॉइस इतनी मजे की है, पनीनी सबसे ज्यादा अच्छी लगी हमें. और अब ये क्या क्या है? ये फ्रैपेज एंड कॉफी फ्रैपेज. अच्छा कौन कौन से फ्लेवर है? कैरामल कॉफी फ्रैपे और हमारा बिल आ चुका है. कल मैं पढ़ जनाब कितना बिल बना? मैं गेस करूं 4,000. सरप्राइज है हमारे लिए. इंडियन 5,301 थी या सबसे महंगी महंगी वाली चीजें करवाई थी? मर्जी की आपने ये चीजें ट्राई की हुई है, पसंद है? और ये सर आपके लिए, ठीक है, थैंक यू इतना सर्व करने के लिए और इतनी सुबह से शाम तक मेहनत कर. ये तो यकीन करो अगर आज हम पांच बंदे आ जाते और वो पांच बंदों की इसी तरह खाना ला देता अपना गया था 10,000 रुपया. इसके बाद मैंने वीडियो को यही कह देना था, ओके गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब. वीडियो हम इधर ही खत्म कर रहे हैं, कुछ पर्सनल इश्यूज के सामने काफी अजीब फैशन वाला कुछ मैंने देखा. मैंने कहा ये क्या है, कुल्लू वाला फोड़ो गए.
गुड यार, आजकल तू काफी ठंडी मार रहा है लेकिन ये बहुत अच्छी थी। थैंक यू थैंक यू। मैंने कहा थोड़ा सा ब्रेक ले लें। टुडेज वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय फॉरेक्स इज अ फास्ट ग्रोइंग मार्केट इट इज स्टिल वेटिंग फॉर इट्स कंक्यूरर्स एंड ऑक्टा इफेक्ट्स हमें भी अप्रोच कर रहे हैं। हां याद ही तो अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं और अपने गाइस हु गॉट गाइस आर अप्रोचिंग अस। इनकी उर्दू ट्रेडिंग वेबिनार्स के मोर अकाउंट्स और अप टू डेट एनालिटिक्स के साथ यू विल बी फुली कवर्ड ड्यूरिंग योर फर्स्ट स्टेप टू अ न्यू इंडस्ट्री। ऑक्टा इफेक्ट्स पे आपको वेरियस डिपॉजिट एंड पे आउट ऑप्शंस मिल रहे हैं इंक्लूडिंग कार्ड और लोकल पाकिस्तानी बैंक ट्रांसफर। यू कैन बूस्ट योर फॉरेक्स एक्सपीरियंस और 100% बोनस मिलेगा आपको आपके पहले डिपॉजिट पे ये वाला प्रोमो कोड यूज करके और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में। यार मेहरान में ये बच्चा देख के मुझे फील आ रही है कि इसके अम्मी अब्बू ने इसको सुथरा ही अभी डांटा ये कुछ वो कहता है मैं मुंह ही मोड़ लूंगा तुम लोगों से। वो छोटे थे हम सारे ऐसे बैठ गए रूम करके पिछली बार। क्यूट बच्चा जिंदगी से बाजार लग रहा है इस मोमेंट में। यार तू मेरी वीडियो में सियासत क्यों लाता है? वैसे मजाक करो काट दी यार तू आज हमारा आधी आधी जो है ना वो ऑफलाइन जानी। ये आ चुका है जी हमारा नया ड्रोन DJI Air 2S फ्लाई मोर कॉम्बो। माशाल्लाह माशाल्लाह मजेदार चीज। फिर से जूम, पहले मैंने क्रैश कर लिया था आपको पता होगा ग्वादर ट्रिप पे मैंने एक क्रैश किया, एक मैंने शायद कश्मीर ट्रिप पे या पता नहीं कौन से ट्रिप पे दोनों क्रैश किए मैं। असद ये पीछे रख दो। अभी हम थोड़ा चिल मारेंगे और फिर लंच की तरफ। लंच का टाइम हो चुका है और लंच का टाइम हमारा कब हुआ है 6:03 पे, क्योंकि हमने वीडियो स्टार्ट ही बहुत लेट की थी और ज्वाइन कर लिया हमें तला ने और हेलो हेलो बंटी ने। हेलो गाइस, वालेकुम सलाम। असद तुम्हें कहा तुम दिए ना यार, कोने में कर दिए ये हमारे साथ जो थोड़ी देर बाद बाहर कर दूंगा मैं ऐसे भी। अभी हम लोग जाएंगे मैकडॉनल्ड्स और मैकडॉनल्ड्स वालों को बंटी कहेगा या तला कहेगा कि अपनी मर्जी का हमें खाना दे दो। अच्छा उनको हमने बताना है कि यार हम ना 5 लोग हैं और हमें ना खाना दे दो अपनी मर्जी का। अपनी मर्जी का, अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, अल्लाह माफ करे अपनी, मतलब उसको कहना है कि जो आपको पसंद है ना वो हमें दे दो 5 लोगों के लिए। मतलब हमने ये दिखाना है कि मैकडॉनल्ड वाले खुद क्या प्रेफर करते हैं, खुद क्या प्रेफर करते हैं। ओके चल बंटी। वालेकुम सलाम, मुझे ना जो आपको पसंद है ना वो दे दें खाने को 4 लोगों के लिए। जो आपको पसंद है कुछ भी ऑर्डर दे दें मुझे 4 लोगों के लिए जो आपको पसंद है। हाँ जी वो भी अपनी मर्जी की कर दें वो भी आप पे छोड़ा। 4 लोगों के लिए आपने देना है अपनी मर्जी का फूड। ओके थैंक यू। 21 ओए पहले इतना वियर्ड लगा जब बंटी ने वो, क्योंकि लड़की थी, लड़की थी ना, वो कहता जो आपको पसंद है वो दे दे, उसे लगा ये क्यों पागल पागल 4 लोग चिकन प्लस दे दिया। डिसरेस्पेक्टफुल लाइक 21 अस्सलाम वालेकुम। चिकन प्लस कितने 2170 तो कुछ भी नहीं मैकडॉनल्ड्स इंडिया के बारे में। बंटी तूने ये क्यों नहीं कहा कि 4 लोग हैं और एक मैं हूं। थैंक यू। कितना ओए ओए बिल बना है 2170 रुपए। 2170 में क्या मतलब, मैं ये हैरान हूँ कि वो आंटी ने इतनी जल्दी फैसला कर लिया कि इनको क्या देना है। सुबह वाले बंदे ने हमें 10 मिनट लगाए, अच्छा उसने सोचा कि मैं तुम्हें क्या दूँ मौका पे, लेकिन उसने बड़ा अच्छा खाना दिया। ये आंटी ने मुझे लगता है चिकन प्लस दिया, चिकन प्लस दिया। हाँ मैंने देख ली थी चिकन प्लस दिया वो ही ना, मतलब ऐसे लग रहा है शेयर बॉक्स बस ऐसे ही उसने टक टक कर दिया, मतलब ऐसे ही बस। अस्सलाम वालेकुम। आप थोड़ा सा टाइम है प्लीज लेफ्ट साइड पे वेट करो। कितना 2-3 मिनट साइड पे रोक लूं जी? ओके हमारे ऑर्डर में टाइम है। यार ये मतलब आंटी ने क्या, मजा नहीं आया मुझे, आया भी वो मतलब वो फील नहीं लिया, वो मिल नहीं आई कि उसमें सोच के बताया क्या चाह रहे थे। सुबह वाले ने उसको, हमने कहा कि यार जो तूने खाया हुआ ना जो तुझे पसंद है उसे, मैंने कहा ना कि वो
जो आपको पसंद है उसने कहा अच्छा इधर हो जाओ और फिर उसने मगरू ला दिया हमें तंग ना करो बाकी मगरू ला दिया उसने यार ये क्या किया आंटी ने मतलब इतनी जल्दी क्यों कैसे उसने मुझे लगता है वो दे दिया शेयर बॉक्स बड़े वाला बस वही है भाई और चौड़े कर ले इधर हो जा पीछे ये बेचारे बहुत ही माशाल्लाह आवाज़दार हुए हैं तीनों चेक तो कर ब्रो मुझे ना इसके बाद उतार देगा क्यों सामान दे ना इसको डिगी में दे दो आ गया वालेकुम सलाम थैंक यू बस यही है जी थोड़ा ज्यादा दे देते आज मैकडॉनल्ड्स में मुझे मजा नहीं कराया ये पकड़ी मतलब उनके पास ऑप्शन था कि चार चीज खाते हैं तो सबको पता चलता कि चार ये अच्छी है उनके पास बाकी ऑप्शन था कि वो हमें चार लोगों का डिफरेंट खाना देते और पता लग पाता कि वाओ मैकडॉनल्ड्स यार क्या हो गया यार तुम किधर हो फोन है समझा करो फॉर्मल होना पड़ता है थोड़ा फॉर्मल होना पड़ता है ये चेक कर ले फॉर्मल इसका फॉर्मल चेक कर ले पीछे नहीं चल क्या रहा है यार मैं हैरान यार ये चेक कर यार ये कोई बदतमीजी है यार खाना दे यार यार वो बर्गर आया था मेरे लिए खाना दो इसको उतरे ये मैसो एक तुम्हारे ये वजन कजन जैसे ही ना करो यार वाकई यार इन्होंने आके हमारी डिब्रिट ऐड की हुई यार वो पता लग रहा है ना माशाल्लाह एक वो माशाल्लाह पता लग रहा है राजपूत आदमी बैठा है ब्रो मैं भी उन्हीं का ही हूं मैं मराठी हूं अच्छा खैर हमारे पास क्या क्या है दिखाओ यार फ्राइज अंजाम दे लो बर्गर एक पकड़ते जाओ लो पैन टू इशू ये बर्गर तो एक लोग में खा लेगा ओए फ्राइज पलट गए फ्राइज एक फ्राइज दो ये लो फ्राइज अंजाम दूं फ्राइज अंजाम ये मैक चिकन एक बर्गर किलर गया ये नगुट बर्गर भी ये बड़ा कोई चिकन मैक हसन हाथ रखी दोनों दे वन मोर चिकन मैक वन मोर फ्राइज पता नहीं क्या क्या आजकल शेयर बॉक्स दे दिया पा एक बंदा खा रहा है अच्छा भाई कौन क्या ले रहा है जल्दी बताओ मैं देता जाऊँ जल्दी नहीं बंटी क्यों यार अभी खा के आया ब्रो जस्ट चलो मैं अपने दोस्तों के लिए छोटा बर्गर खा लेता हूँ सही बात न्यारी पाड़ नहीं जाते चिकन मैं ये ले बंटी तेरा कौन सा अभी मेरे फ्राइज खा रहा हूँ ये ले असद के पास लिफाफे वाला बर्गर वो दो पकड़ी बैठा दी वो है कुछ भी ये सब एक एक बाइट लेंगे लड़ाई नहीं करनी पापा बना उसका इसलिए उसी हिसाब से खाना नगुट्स नगुट्स केचप दिए उन्होंने वो पहले ये बाइट वाला ले लो एक एक चार्टर्ड चीज दिए चार्टर्ड एक एक बाइट वाला ये कौन सा है वैसे पता नहीं चिकन बर्गर है कोई हॉट क्रिस्पी चिकन वन बाइट बर्गर एक मिनट है असद के साइज का बर्गर हसन खा रहा है यार बाकी ब्रो मर्दा ये बड़ी ज्यादती कर रहे हैं आज क्यों ऐसे बैठा हूँ माशाल्लाह पीछे जब असद और तला इकट्ठे बैठे हो डोनल्ड का पूरा शेयर बॉक्स खाने के बाद उड़ाने के बाद खाने के बाद नहीं उड़ाने के बाद उड़ाने के बाद खत्म शुद्ध कभी था पाँच मिनट पहले होता था मुल्ला लेने किधर है मेडिकल स्टोर अच्छा तो क्या नाम है जगह का जहाँ हम अब जा रहे हैं पिज्जा जंक्शन हमारा अभी पिज्जा का मूड था तो तला साहब कहते हैं कि एक अच्छी सी जगह है वेलेंशिया टाउन में पिज्जा जंक्शन वहाँ चलते हैं उनका पेरी पेरी अच्छा है हमें क्या पता वो हमें पेरी पेरी देगा या नहीं ये पेरी पर जाएगा पबजी का तो मुझे ना समझ आती ना मुझे खुद नहीं समझ ये ठीक है छोटा सा कॉल ऑफ ड्यूटी इज द बेस्ट यहां भी खुल गया का वही जो जूसी बे नहीं है किधर साला किधर है ये राइट साइड पे बड़े खुल गए इधर चले जाते हैं रैंड जगह है ही मनोज जगह वही उसकी तरह क्या करता है बर्गर को काट के ना एंजॉय चले जाता ना बर्गर पहले करता था अब तो पिज्जे को भी काट लेता है काट नहीं पहले तो एक लेके आता है फायर टॉर्च नहीं होती वो लाता है
बर्गर पे या पिज्जे पे आए वो मारता है ठीक है अच्छा। फिर काट के मुंह में डालता है एंजॉय। तुम बताओ ये जो बर्गर्स के प्राइसेस जो नीचे आए थे ऐसे 250-300 में जो अच्छा बर्गर मिलने लग गया था उसका पायनियर कौन था लाहौर में? वो AWC और ग्रिल वाले जो बकबाल टाउन है ना ये थे चाचा चूचा पता नहीं इधर कोई था इधर खुला था गॉडफादर। हाँ गॉडफादर ने ट्रेंड ही खत्म कर दिया था कि महंगा बर्गर भी कोई चीज होती है। मतलब उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए जो है ना वो अच्छा बर्गर सॉसी पैटी 250-300 के अंदर देना शुरू। उसके बाद जो हर रेस्टोरेंट 250-300-400 फिर थोड़े महंगे होने शुरू हो गए। ऐसे लगता है कि वो खा रहे हो आप चप्पल कबाब। माई बर्गर मैंने आज तक खाया नहीं है लेकिन सुना है कि पहले अच्छा होता था अब अच्छा नहीं। शुरू में जब बहुत शुरू में खुला ना तो बहुत अच्छा। अब असल में ना उस कैटेगरी में बहुत सारे खुल गए हैं बहुत सारे। बेसिक जो है ना बेसिक मेरा ये है कि वो जो चिकन फिले बर्गर है ना वो शदीद फारिक चीज है। कौन सा फिले? चिकन फिले बर्गर। क्योंकि उसकी जो अंदर है ना वो जब उसको वो करो तो अंदर से लेकिन चिकन होता है। लेकिन फिले बर्गर सिर्फ जॉनी एंड जुगनू का था बस उनका था शुरू में था ही जो फिले और उसी से उठे होता फिले वो अच्छा है बाकी वो अच्छा है। रैप तो 800-850 का करती है और छोटा भी था मुझे याद पड़ता है 300 हार्डीज की कमर तोड़ी है इसने। हार्डीज नहीं हार्डीज भाई वो मेन जो उनका अट्रैक्शन थी कर्ली फ्राइज खत्म कर दिए बिल्कुल ही खत्म नहीं कर दी मिलती नहीं है कोई ना अवेलेबल नहीं है इशू रहता है हर टाइम जब भी जाओ। यार हार्डीज ने बहुत पैसा कमा लिया 10-12 साल पहले हार्डीज। यार मेरा कोई ना 4-5 महीने से एक्सपीरियंस नहीं मेरा लास्ट कुछ बेहतर रहा था कुछ बेहतर था। हां आई शुड गिव इट अ शॉट। बन भी बर्गर बहुत फिट थे और फ्रेश बिल्कुल वो बेहतर था नहीं तो मेरे भी तेरे जैसे ही रहे यार सूखा मरुंडा था मरुंडा बीफ बर्गर दे दिया प्लाजा कपड़ गया। अच्छा तल्ला साहब क्या नाम है जगह का जहां हम अब जा रहे हैं? पिज्जा जंक्शन। पिज्जा जंक्शन हमारा अभी पिज्जा का मूड था तो तल्ला साहब कहते हैं कि एक अच्छी सी जगह है वेलेंशिया टाउन में पिज्जा जंक्शन वहाँ चलते हैं उनका पेरी पेरी अच्छा है। हमें क्या पता वो हमें पेरी पेरी दे गए हैं बोला ना ये पेरी मुझे डेजा वो रहा हां बोला पेरी पेरी असल में पेरी पा मांगे वेरी गुड असल कोई से काम के लिए जाए कोई उनसे गिटमिट करेगा। हां यार ऐसे ऐसे नहीं नहीं बताने ही नहीं ना ये तो उसकी ये तला साहब है ये तला साहब आप ही पढ़ना है। अब यहाँ यहाँ पहुँच के मुकर गया कि मैंने तो यार इनका वो ही खाया हुआ है। नहीं मैं ये ढूंढ रहा हूँ मैं आप खुली खड़ा पिछली रो में इधर ये भी खुल गया यहाँ पे। हाँ पीटर जॉन्स पापा जॉनस जॉनस निक जॉनस का बड़ा ब्रांड पहुंच चुके हैं हम चुकता ही नहीं पिज्जा जंक्शन पे वेलेंशिया टाउन पिज्जा जंक्शन डिप्लेक्स के साथ लोकेशन आपको समझा दी गई है खवातीन हजरात बिल्कुल साथ वो टेस्ट कराने अस्सलाम वालेकुम कैमरे में हाथ ला दें आप क्या हाल है? अच्छा ये पकड़े और आपने मुझे अपनी मर्जी से कुछ भी ऑर्डर देना है जो पिज़्ज़ा आपको पसंद है या जो आपको लगता है यहाँ का बेस्ट है वो मुझे देना। मुझे ना बस आपने मुझे नहीं बताना आपने मुझे देना भूख लगी हुई है खाना दे दें अपनी मर्जी का अपनी मर्जी का नॉर्मल चाहिए आपको। हाँ हाँ नॉर्मल भूख है भाई इधर ही गाड़ी में दे दें बॉक्स में हाँ जी ठीक है अपनी मर्जी का बस खाना आगे खाना आ गया है जनाब। एक मीडियम पिज्जा है एक मीडियम पिज्जा 1000 है कितने 1000 बॉयज पिज्जा हमारा आ चुका है और एक पिज्जा है हाय एक मीडियम पिज्जा और कौन सा है ये उसने मुझे बताया कि पेरी पेरी ये पेरी पेरी की तो शक्ल होती नहीं है ऐसी ये पेरी पेरी है। चलो भाई उठा लो अब एक एक स्लाइस है मुझे लग रहा था पता नहीं कितने के पिज्जे ला रहे भाई जान 5 बंदों के लिए एक मीडियम पिज्जा
ज्यादा नॉर्मल फ्रूट है। ठीक है शुक्रिया भाई जान, ले जनाब बहुत शुक्रिया। ले जी 1000 रुपया हमारा बिल बना है, 1000 भी नहीं 990 रुपए। और पेरी पेरी पिज्जा आ चुका है, मैं बड़े वाला स्लाइस लूंगा, मेरे जेन में था ये पिज्जे आएंगे। ओ तला वाकई में अच्छा है ना, ओहो सही कहा, जेन्युइनली यार ऑथेंटिकली पेरी पेरी ओए होए 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 बहुत मजे का यार, मतलब वो वैसा पेरी पेरी नहीं है कि आपको मिर्चा प्रॉपर सॉल्टी सॉवर। बोतल है कोई? वही तुम्हारी मैकडॉनल्ड वाली पड़ी है जो उन्होंने इतना रहम फरमाया हमारे ऊपर, गिलास पड़ाई देनी चाहिए, चेयर बॉक्स दे के कहते चलो निकलो भाई, मोहब्बत हो गई मुझे इस पिज्जे से। बाकी इनके पता नहीं फ्लेवर्स कैसे होंगे, पेरी पेरी बहुत मजे का। क्या हो गया किधर? सुप्रीम कह रहा है वो भी मजे का हो सकता है। किधर है? बाहर ही चला गया, हैवी हो गया, मजे का होगा। और मैंने सॉसेज खाया वो भी इनका पिज्जा। असल में मजेदार चीज ये है कि मेंटेन रखे क्रीमी, काफी क्रीमी और फुली चीजी के साथ आपको प्रॉपर, मतलब अक्सर जगह होता है पेरी पेरी मंगवा रहे हो, अच्छा जी उतने मिर्चा सेटती हैं तो पेरी पेरी बन गया, ये हाँ ये सॉस डाल दी, ये प्रॉपरली पता नहीं क्या है, फ्लेवर है पूरा पेरी पेरी का। अपनी मर्जी से हमें मीडियम दिया है, अगर भूख कभी होती ना या निहारी जाके ना खाने, हालांकि अभी भी फुल हो रहे हैं लेकिन निहारी भी खानी है तो यहाँ हम डेफिनेटली इसको ऑर्डर करते बड़ा पिज्जा, लेकिन खैर पास ही है दोबारा। उधर जाके क्या कहेंगे फ्यूचर के लिए बन गया, जवाब को क्या कहेंगे अपनी मर्जी की नहरी लिया, जवाब को अपनी मर्जी की नहरी लिया, चन तक रा बना दे जेदो तारे आते नचेंगी ते पता लगूगा यार। ऊ अंटा मार इस पे YouTube चलती है इस पे? नहीं ब्रो ये Android नहीं होगी ना, अगर मैं अपना फोन कनेक्ट करूं तो Apple CarPlay पूरा आ जाएगा, उससे हो जाएगी ना वो, कनेक्ट कर ले नेट तेरे पास लगा हुआ चल जाएगा गाना, ब्लूटूथ लगा के ड्राइविंग करते हुए वीडियो चलेगी नहीं कभी भी। अच्छा वो वाला सीन है इसका? हां ये क्योंकि वो नहीं हुआ ना, रोक रोक के वीडियो देख लेते हैं। असल में ये उसकी वीडियो देखना चाह रहे हैं, गाना लगा दे। आज की वीडियो में वैसे फूड कम था और हमारी बातें ज्यादा थी, तुम में से किसी को बीट बॉक्सिंग आती है? तला को भी काफी अच्छी आती है, इसको तो हम कह भी रहे हैं कि गाना कौन सा लगाना है देख ले यार, यार मैं हाई बेस पे सुनना चाह रहा हूं। 1904 भाईजान अपनी मर्जी की निहारी ले आए, पांच पैक रस अपनी मर्जी की निहारी ले आए। कैसा रहा आज का? इधर बिठा दो इसको। ए कैसा रहा आज का? बहुत ही मजे मजे का। मैकडॉनल्ड मौके शोके सारे एक तरफ, जवाद साहब के घर की निहारी एक तरफ, कैसी लगी निहारी तुझे? यार कमाल, मैंने तो सिर्फ एक ही लुकमा खाया है। बंटी कितना खाया इसने अंदाजन बताई? लाइट चली गई है और अभी अभी एक चैलेंज हुआ है, ये लीमू है और इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लेमन जूस है ये, क्योंकि जो लीमू आए थे यहाँ पे वो सूखे थे तो अंदर से उन्होंने वो भेजा है जो सही तरह से निकाला हुआ जूस है, और ये शर्त हुई है कि बंटी असद को 500 रुपया देगा अगर असद ये पिएगा। चल ब्रो सिंगल शॉट पीना, दिए बाकी में होए तू तो 500 कमा गया यार, मेहनत की कमाई।
नहीं तू वैसे ऑनेस्टली बता के तेरे अंदर से क्या फील हो रहा है इस टाइम? ऊपर से ढीट ना बन, ठीक था ढीट ना बन, नहीं यार तेज था, तेज था ये क्योंकि अभी मौसम नहीं है ब्रो, स्प्राइट नहीं थी तेज का। हेलो गला कुछ किया खराशे कुछ फील हो रही है अभी कि नहीं? चला गया अंदर लग गया हुआ वो, इतना वो तुर्शी फुल तुर्शी इजिप्ट में कहते थे तुर्शी। नहीं वैसे तू चंगा बड़ा आदमी है यार, उसको 5 रुपए का लालच दे गया, 1 लाख रुपए कमाता है वो अंदर में। अस्तगफिरुल्लाह भाई, इसके ज्यादा पैसे नहीं कह दिया मैं लाख कमाता हूँ, बात पैसों की नहीं है, मेरी फक्की मशहूर है, बात पैसों की नहीं है, बात है खतरों के खिलाड़ी। ये वो इज्जत पे ले गया था, वो इज्जत पे ले गया कि ब्रो मैं रोहित शेट्टी खतरों का खिलाड़ी, पौने 2 लाख की। गाइस ये सारे इंडियन शोज देखते हैं, उसने सोचा, उसने सही सोचा, उसने सोचा ब्रो यहाँ से घर के ऊबर के पैसे निकल आएंगे। जवाब साहब आपको आज हमने मिस किया, खैर इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी करें भाई को दो हमें याद रखना, इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्त है। ये सारे दोबारा बोलते हैं इकट्ठे, 3 2 1 वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी करें भाई को दो हमें याद रखना, इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्त। सुपर कूल गाइस, बहुत ही फनी वीडियो थी, मुझे ये चीज भी सही लगी कि बहुत बातें थी, बहुत कॉन्वर्सेशन थी, एंड खाना वाज रियली लिटिल, मतलब डिनर में ऑल्दो दे वर गोइंग टू हैव निहारी और व्हाटएवर, बट फिर भी अगर मैं से बाहर गई और मुझे कम पिज्जा मिला देन आई वुड बी डेफिनेटली डिसअपॉइंटेड डिसहार्टेंड, दोबारा भी ऑर्डर कर लेंगे। हाँ पर मुझे ये चैलेंज मुझे अच्छा लगा, ये भी दिस वॉज न्यू, पर मुझे वही अच्छा लगता है कि यू नो I want to watch what the person before me ate, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा fascinating लगता है, क्योंकि ये थोड़ा सा confusing है कि अगर हम खुद जाते हैं तो the order taker will definitely try to sell us. I think आधे लोगों को समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, जैसे उसने कम दे दिया, और आधे लोग बहुत ज़्यादा दे देंगे लालच में, जैसे मतलब Starbucks पे जैसा हमारे साथ भी हुआ था, और इनके साथ भी आई थिंक जो मॉर्निंग वाला इनका जो काम था वो ठीक था, ठीक था, बट आई थिंक दैट वॉज ऑल्सो काइंड ऑफ एक्सपेंसिव। अगर ज्यादा लोग होते, अभी वो 3 लोग ही थे, पर अगर वो ज्यादा लोग होते तो वो एक्सपेंसिव हो जाता डेफिनेटली। मैकडॉनल्ड्स पे दे गॉट अ लॉट ऑफ बर्गर्स नगेट्स एवरीथिंग, वो सही था, मैकडॉनल्ड्स वैसे भी थोड़ा सस्ता ही माना जाता है, पर इनको कम लगा वो। हाँ बट आई थिंक पिज्जा वाला वाज टू कम, एंड वो तो मैं नहीं खा पाती, मैं डेफिनेटली क्रिप कर रही हूँ पिज्जा, आई थिंक उसको 2-3 मीडियम तो देने चाहिए, 5 लोग बैठे हुए हैं कम भूख में, बट ओवरऑल वीडियो अच्छी थी, ये लोग इनका ग्रुप अच्छा लगा, बातें अच्छी लगी, फनी वनी बातें करी इन्होंने, और खाने का थोड़ा सीन हुआ, इनके खाने का थोड़ा सीन हुआ, आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू द खाना वीडियो, इसलिए मेरे को ये वीडियो ठीक लगी, मतलब दिस वाज अ गुड वीडियो, आरएचएस मेक्स रियली नाइस वीडियोस, बहुत अच्छा उनका जो काम है बहुत अच्छा है, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे जो पिछला चैलेंज था मुझे वही बेटर लगता है, बेस्ट चैलेंज है, पर हाँ आई थिंक ये चैलेंज में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, बट अगेन वो वीडियो मतलब इन लोगों का जो भी ये लोग करते हैं ना बात बात वो सब अच्छा तो लगा, खाने का थोड़ा सीन था थोड़ा इनके, हाँ इसलिए मैं बोल रही हूँ बिकॉज I'm here for the food. So guys, this is our reaction. We really hope that you liked it. And if you did, this video ko like kar do, isme bahut sare comments kar do, aur hamare channel ko subscribe kar do. So guys, this is Sidhu Vlog signing off. We love you guys.